हेलो एवरीवन मुझे पता है सीएस एग्जीक्यूटिव आपके एग्जाम्स अब बहुत पास हैं कुछ ही दिन बचे हैं तो आपके एफर्ट को थोड़ा और रिड्यूस करने के लिए मैंने एक बहुत इनोवेटिव टेक्निक अडॉप्ट किया है जो पहले शायद आपने नहीं देखा होगा प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए सीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है हम लोगों ने बहुत सारे रिवीजन वीडियोस प्लेलिस्ट में डाले हैं यूट्यूब में सभी टीचर्स ने स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए वीडियोस डाले हैं

तो ऐसा मैंने बहुत जगह किया जैसे कई जगह मैंने लिखा इजी डायरेक्ट क्वेश्चन तो ये आप नहीं करोगे या कोई कमेंट्स नहीं दिया हुआ है इसमें तो ये आप नहीं करोगे बट एट द सेम टाइम कई जगह मैंने लिखा है टिपिकल या कई जगह मैंने लिखा है टिपिकल किस किस चैप्टर का ही इस तरह आपको मैंने कोशिश की है फॉर एग्जाम्पल जूडियर की उसी तरह अगर मैं कंपनी लॉ पेपर की भी बात करूं तो लेट मी शो यू द कंपनी लॉ पेपर सारे टाइप के पेपर्स का हमने ऐसे एनालिसिस करके इसमें अटैच कर दिया मेरे मार्किंग्स की खासियत क्या है कि वो वर्ड्स जो आप अकेले में पढ़ के भी नहीं ला पाते पर मेरे मार्किंग्स से करोगे तो बेटर होगा जैसे बेसिक क्वेश्चन है एक जून 22 का बट टिपिकल है उसके आंसर की राइटिंग पैटर्न बहुत अलग थी तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कमेंट वाले क्वेश्चन थोड़े डेंजरस होते हैं क्वेश्चन वन कभी भी पहले अटेम्प्ट मत करना जो कंपल्सरी क्वेश्चन है बिकॉज वो इतने ईजी नहीं होते हैं यूजली तो इस टाइप से कमेंट के क्वेश्चन में क्या आता है और क्या लिखना चाहिए आप मेरे मार्किंग से जरूर करोगे पक्का से करोगे तो प्लीज डू दैट मैंने सारे अटैचमेंट रेडी कर लिए हैं मोस्ट वीडियो uh, के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगा और अगर नहीं मिले तो आप मुझे लिएट्सएप करिएगा मिलेगा नीचे लिंक गूगल ड्राइव लिंक अटैच किया हुआ है सो आव डन इट फॉर एवरीवेयर आई सॉ दैट कंपनी लॉ में लोग है ना सिर्फ ऑडिटर्स जनरल मीटिंग्स करके चले जा रहे हैं बट वॉट इज द ट्रेंड विच आई हैव सीन अगेन आर ऑल्सो आस्किंग फॉर फ्रॉम द चैप्टर लाइक कॉम्प्रोमाइज अरेजमेंट के फेमस क्वेश्चन वाइंडिंग अप मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोड ऑफ एथिक्स जो हर कंपनी लॉ के पेपर में कोड ऑफ एथिक्स और मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म हर क्वेश्चन पेपर में आता है तो प्लीज रीडिजाइन योर स्ट्रैटेजीज एंड प्लीज डू आई एल टेल यू द सेक्शन ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है दैट इज योर क्वेश्चन नंबर सिक्स आई थिंक

तो आपको डायरेक्टर्स, बोर्ड मीटिंग ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट सब एरिया टच किए हुए होने चाहिए तो इसलिए लास्ट के दिनों में एक बार अपनी तैयारी को मॉडिफाई करिए अभी भी कुछ दिन बचे हुए हैं प्लीज डू माई टिपिकल एंड ट्रिकी क्वेश्चन विच आई सर रिपीट होता है क्या रिपीट होता है ट्रिकी और टिपिकल क्वेश्चंस जो पॉपुलर क्वेश्चन है जो मैंने टिक नहीं किया और इंपॉर्टेंट वो रिपीट नहीं होते इनके पास बहुत बड़ा सागर है क्वेश्चन का बट जहां मैंने ट्रिकी या इंपॉर्टेंट लिखा है वो वाले क्वेश्चन वापस से रिपीट होंगे प्रॉबिलिटी होती है सेटिंग अप की अगर मैं बात करूं सेटिंग अप इज अगेन अ डेंजरस जोन सेटिंग अप पूरा कंपनी लॉ है मुझे पता है बट सेटिंग अप में जो मुझे मैंने देखा स्ट्राइकिंग ऑफ वाले जो पार्ट है ना एलएलपी का स्ट्राइकिंग ऑफ कंपनीज का स्ट्राइकिंग ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऊपर से वो जो वो वाला पोर्शंस नहीं है अब पीछे लाइसेंसिंग क्या किसको चाहिए एक्सपोर्ट के लिए क्या लाइसेंस चाहिए फूड बिजनेस के लिए लाइसेंस के लिए किसको अप्लाई करोगे वहां से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आपको जरूर देखना चाहिए मोर ओवर सेटिंग अप में एक पार्ट बहुत गंदा होता है वो जो प्योर इंडस्ट्रियल लॉ वाला पार्ट है वो आप लास्ट के लिए रखो पर स्ट्राइकिंग ऑफ इज दैट श्योर जोन स्ट्राइकिंग ऑफ डॉर्मेंट कंपनी LLP से इस बार क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है LLP में एक अमेंडमेंट बहुत पॉपुलर हुआ है LLP में कई अमेंडमेंट्स हैं आप पीडीएफ मुझसे मंगवा लीजिएगा ये इसके जी ड्राइव में अटैच कर दूंगा सीए वालों को भी पढ़ाया था सेम पीडीएफ से और वीडियो लिंक भी डाल दूंगा LLP में आ, मुझे लगता है और लग स्मॉल LLP का कांसेप्ट स्मॉल LLP इज एलएलपी हुज पेड अप कैपिटल डू नॉट एक्ससीड डैश करोर्स एंड टर्न ओवर डू नॉट एक्सीड डैश करोर स्मॉल एल एल पी को ऑडिट भी नहीं करवानी पड़ती है क्योंकि ऑडिट ऑफ कब होती है है आपने पढ़ा है। जब उसके कॉन्ट्रीब्यूशन एंड टर्न ओवर कुछ फिगर्स को क्रॉस कर जाए तो स्मॉल एल एल पी फिगर्स दोनों ही लेस है कई लोग पूछ रहे हैं वो स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन अगस्त सेप्टेंबर दो हजार बाईस में चार करोड़ और चालीस करोड़ हो गया था पेडअप कैपिटल दिसंबर ट्वेंटी टू वाले को लिखना था टू करोर्स uh, जो जून ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी फोर में दे रहे थे

वो वाले जोन पर ज्यादा और वो इन कारपोरेशन के जो फॉर्म एंड एवरी वो यहां पर ज्यादा आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड मैनेजरियल रेमेशन शेड्यूल फाइव वाले कुछ क्वेश्चन हलचल मचने वाली है उसको अच्छे से करके जाइएगा तो ये सारे एनालिसिस मैंने जो एक एक क्वेश्चन पे कमेंट डाल डाल के रेडी किया है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको मार्क्ड पी डी को अपने लैपटॉप पर खोलकर एनालाइज करिएगा एवरी सीएस स्टूडेंट इन इंडिया मज रीडिजाइन द स्ट्रेटेजी ज्यूरिस प्रूडेंस के बारे में लोग पूछते हैं ज्यूरिस में डायरेक्ट क्वेश्चन सबको को आता है लोग यूज़ुअली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ छोड़ के जाते हैं मत छोड़ना कंपल्सरी पार्ट में सोर्सेज ऑफ लॉ चैप्टर छोड़ के जाते हैं मत छोड़ना जेनरल क्लाजेज एक्ट लोगों को टफ लगता है पर उसमें बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं रिपीट होते हैं एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट वेरी पॉपुलर क्वेश्चन डू दैट फिर जनरल क्लाजेज एक्ट में एक सेक्शन सिक्स है वो बहुत फेमस है क्या दो एक्ट के अंदर अगर आपको दो बार पेनल्टीज लगता है तो क्या होगा तो वेराइटीज ऑफ एरियाज आव आईडेंटिफाइड आज शाम को या एक दो दिन पहले ही या होने वाला है सेबी के अमेंडमेंट्स रवि सर ने आपके लिए रिकॉर्ड किए थे सेबी में सिक्योरिटीज लॉस के वो भी अपलोड हो गए होंगे बट इस बार सेबी में ई आप डीलिस्टिंग स्वेट इक्विटी की रेगुलेशन जो पिछले टर्म के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा थे जो अमेंडमेंट्स आए थे जो इस बार आपको बहुत दिखेंगे सो प्लीज डू दैट प्रॉपरली And EBCL के बारे में मैं एक वीडियो फिर से बना दूंगा और डू दू एज पर क्लास डिस्कशन सो दिस लास्ट एडवाइस फॉर सी एस एग्जाम मैंने बहुत बार सी एस एग्जाम दिए अपने स्टूडेंट्स के साथ ओके तो प्लीज फॉलो दिस पी डी एफ एक बार सारी पढ़ाई रोक कर इसको बेस बनाकर पढ़ना शुरू करिए यूल अंडरस्टैंड द पैटर्न प्रॉपरली थैंक यू सो मच गुड बाय